अरे छोड़ ना यार, इन जैसे गरीब लोग है ना मिडिल क्लास फैमिली में ही पैदा होते हैं और गरीब ही मर जाते हैं। अरे वासु का फोन आन लाग रहा भाई। कौन सा वासु? अरे दोस्त है एक, के कवा वो मिलन की कह रहा था यार। वो कोई ना बुला ले। अरे यार के करू फिर, बुलाऊं? उठा ले फोन, बुला ले। हेलो। हाँ की था भाई, मैं तो एड उड्डा ग्राउंड में बैठा हूँ। कोई ना, आजा, लोकेशन भेज दूंगा मैं तेरे दौरे। अच्छा आन लाग रहा है, आजा बाहर चल रहा है। बाहर चल रहा है। कर ले वासु दोरा रख कर हूँ। हेलो यार, ये कित रहेगा? हाँ वासु भाई, कित है? हाँ आजा यार, आड़े खड़े हैं हम, बाहर आ गए थे। हाँ आजा भाई, आजा, आड़े खड़े हैं बाहर ने आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, आजा बाहर हैं। आवे भाई, वो आवे है, आवे है, आजा खड़े हो, खड़े हो। बेटा उरे ना हो। अरे सागर अंकल बोल रहा है, चल ना एक बार। हाँ अंकल, क्या हुआ? मैंने तू देखा है, मैंने तेरे पापा के लिए देखा। तू तो विनोद का छोरा है। अंकल पापा ने कैसे जानो? अंकल तेरा पापा भाई मेरी गुला पढ़ा करता। अच्छा, वो पढ़ाई में ज्यादा होशियार था। अच्छा, मैं थोड़ा कमजोर था पढ़ाई में। अच्छा, और भाई तेरा पापा बिजनेसमैन था, बिजनेस में ध्यान दिया करता। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, तेरा पापा मेरे साथ से निकल गया। मैं फिर पीछे रह गया, पढ़ाई के लिए बीजी आ रेडी कर रहा हूँ। मैं तो अपना भाई दोस्त जाती जो ही काम मेरा सही। कोई ना अंकल, वो काम भी बढ़िया है, एक ना एक दिन तो सफलता सब मिलनी ही है। हाँ भाई जी, हमारा था वो है साहब, चल गया तेरा पापा आगे निकल गया, बिजनेसमैन था, बिजनेस में ध्यान दिया करता। काम कोई छोटा बड़ा थोड़ी हो गया है। वो तो ठीक है भाई, किस्मत की बात है तो। हाँ अंकल, अरे भाई मेरा फोन आ गया एक बार, देखो मैं। हेलो। हाँ चल मैं आऊँ इधर। हाँ है इसका फोन था बेटा, घर का फोन था मेरा। अच्छा, घर आके आना पड़ेगा मैंने, थोड़ी देर देख रहे मेरी दुकान। कोई ना अंकल, खड़े हैं हम, जाओ आप। ठीक है चल बेटा, मेरी दुकान ने देखियो तो मैं पे हैं। ठीक है, घर आऊँ आऊँ एक भाई। ठीक है चल, छोड़ा हूँ मैं अंकल ने एक बार। कैसे जाओगे अंकल आप? जाऊंगा भाई, मैं ना अंकल यो भाई छोड़ा हुआ आपने, मैं अड़ा खड़ा हूँ इस भाई गला चले दो, जा सागर। चलो बहुत देर होगी यहाँ पे बैठे बैठे, बाहर चलते कुछ खाने। हाँ चलो, हमें भी भूख लगी हुई है। मेरे दिल की दुआ है कब दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। हेलो, तीन गिलास जूस देना। मुझे बोल रहे हो आप? तुम्हारे सिवाय यहाँ कोई है? मुझे लगा आप और किसी को बोल रहे थे। ब्लडी मिडिल क्लास लोग, एक काम करो जल्दी से तीन ग्लास जूस बना के दो। अरे छोड़ ना यार, इन जैसे गरीब लोग है ना मिडिल क्लास फैमिली में ही पैदा होते हैं और गरीब ही मर जाते हैं। यार देखो, तुम मुझे ऐसे जज नहीं कर सकते, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा क्या उठा लिया ना? तके के कर देगा तू गवार कहीं के। अरे ओ भाई, हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, तना बोलने की तमीज ना है के? तमीज तमीज माय फुट, अब तू मुझे सिखाओगे क्या हमें कैसे बोलना चाहिए और कैसे नहीं? गाँव के ब्लडी देसी गवार। अरे छोड़ यार, ऐसे लोगों के मुंह लगना चाहिए, और पहली बात हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, हमें कहीं कैफे में जाना है, वहाँ जाके खाएंगे। देखो अब बहुत हुआ, तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, मैं तुमको कुछ नहीं कह रहा और ना मैं तुमको जानता हूँ, तुम बिना बात के मुझे जज कर रहे हो। अब बहुत हुआ, ऐसे नहीं बोल सकते तुम। ब्लडी देसी गवारी है, ऐसे ही होती हैं। छोड़ो ना यार, तुम किसके मुंह लग रहे हो, इसकी औकात भी को ना मारते बात करने की।
बात सुन मैडम, जिसने तू जज करन लाग रही है ना, जितना खर्चा थारे बीने का है ना, इतना तो हम एक दिन मौके का तम्बाकू फूक दे हैं। और जिसने तू देसी देसी का है ना, इस जिसे 50 ठेले हैं इसके और 2 कैफे हैं, थारी जिसे तो 100 न खरीद कर दर देंगे। आई बात समझ? हाँ बेटा, क्या चाहिए? आप जूस वाले? हाँ बेटा, मैं हूँ जूस वाला। तो फिर ये कौन है? ये तो बेटा मेरे दोस्त का बेटा है, मैं तो इसको घर से भी काम आ गया था, इसलिए मैं इसको छोड़ के चला गया था यहाँ पे दुकान। सॉरी यार, हमने तुमको बिना सोचे समझे जज कर दिया। मैडम बात ऐसी है, बात सॉरी की नहीं है, बात है जज करने की। ठीक है, आगे तो ना किसी के भी कपड़े देख कर कुछ ना जज मत करती है, किताबों में भी लिख रखा है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आई बात समझ? राम राम। हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और वीडियो में अगर कोई भी गलती हुई हमारे से छोटी मोटी तो कमेंट में जरूर बताएं हमें, ताकि हम आगे उस वीडियो का अपनी ध्यान रखेंगे। भाई बात ऐसी है, हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है जो वो डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाओ, हमें इंस्टा पे भी फॉलो करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेंबर्स में ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।